हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल सी स्क्वायर इन्फोटेक। तो आज हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि HDFC बैंक में KYC कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ ऐसा लगेगा आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, रिक्वेस्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए कन्फर्म KYC डिटेल्स। तो कन्फर्म KYC डिटेल्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ठू पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपका, अगर आप रेजिडेंट कस्टमर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एक फॉर्म डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट करके आपको भरना होगा। भरने के बाद आपको स्कैन करके इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भरने के बाद, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सेप्टेड फोटो आईडी प्रूफ चाहिएगा आपको। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड बाय एनरेगा, लेटर फ्रॉम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और ये भी सेम है, एक्सेप्टेड एड्रेस प्रूफ। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद एक दूसरा पेज में रिडायरेक्ट हो जाता है आपका अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना कस्टमर डिटेल्स भरना होगा। सपोज आपको एड्रेस चेंज करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद ये आपका जो एड्रेस प्रूफ है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आपको स्कैन करके इसको अपलोड करना होगा। वैसे ही आपको आइडेंटिटी प्रूफ में भी, आपको जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पे स्कैन करके अपलोड। फिर आप जो फॉर्म डाउनलोड किए थे उसको फिलअप करके फिर से यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद ये कोड डाल दीजिए और सबमिट। ये आपका, तो ऐसे आपका KYC फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।